नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि घर बनाते टाइम जो सरिया आता है वो बंडल में आता है, तो उसमें सरिये की क्वांटिटी सेम क्यों नहीं होती है? जैसे 10 mm के सरिये के बंडल में मानो 10 सरिये होते हैं, तो बाकी किस साइज़ के बंडल आते हैं? तो आज मैं आपकी इसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ कि किस साइज़ के बंडल में कितने सरिये होते हैं और साथ ही साथ उनके वज़न कितने होते हैं। तो देखिए, 8 mm के बंडल में 10 सरिये होते हैं और उनका वज़न 47.41 kg होगा। 10 mm के बंडल में 7 सरिये होते हैं और उनका वज़न 51.85 kg होगा। तो 12 mm के बंडल में 5 सरिये होंगे और वज़न होगा 53.33 kg। 6 mm के बंडल में 3 सरिये होते हैं और 56.89 kg उनका वेट रहेगा। 20 mm के बंडल में 2 सरिये होते हैं और 59.26 kg उसका वेट होगा। 25 mm के बंडल में एक ही सरिया होगा और वज़न जो होगा वो रहेगा 46.30 kg। 32 mm के बंडल में भी केवल एक सरिया होगा और वेट होगा उसका 75.85 kg रहेगा। अब आप सोचेंगे कि ये तो kg में बता दिया, वेट आपने तो मीटर में कितना होगा, क्योंकि सरिये की लेंथ पता होना बहुत ज़रूरी होती है। जब भी आप सरिया खरीदते हैं तो सरिये की लेंथ 12 मीटर होती है अप्रोक्स, या मोटा मोटा 40 फीट आप इसे कह सकते हैं। तो 40 फीट का एक सरिया होता है, वो कितने भी mm का हो सकता है, 40 फीट का ही होगा, वो कितने भी mm का होगा तो 40 फीट ही होगा। ऐसा क्यों होता है वो भी जान लीजिए। हर साइज़ के बंडल का वेट 50 से 60 kg के आसपास ही होता है। क्यों? ताकि मैन्युफैक्चरिंग के बाद लोडिंग अपलोडिंग साइट पर उतारना या चढ़ाना में कोई प्रॉब्लम ना हो वर्कर को। आपको एक बात और बता दूं कि जो वेट मैंने आपको बताया ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट वेट रहेगा। कई बार मैन्युफैक्चरिंग में वेट ऊपर नीचे यानी कम ज़्यादा हो जाता है, तो उसका भी कुछ परसेंटेज रहता है कि इससे ज़्यादा या कम वेट का सरिया नहीं बनेगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखते रहिए ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और सारी जानकारी मैं आपको दे सकूं। तो जो परसेंटेज है वो कुछ हिसाब से है कि 8 से 10 mm वाले सरिये का 70% कम या ज़्यादा वेट हो सकता है। केवल 70% आप चाहें तो खुद से वेट कर भी देख लीजिए। उसी तरह 12 से 16 mm का 5% और 20 से 32 mm वाले का मात्र 3%। तो दोस्तों, सरिये के साइज़ और वेट से जुड़ी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।